दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यू गाइस कैन सी, मेरी स्किन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन रफ़ हो चुकी है। क्रीम्स के रिव्यू के चक्कर में मेरी अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फिलहाल मुझे आज किसी निकाह पे जाना है, तो मुझे अपना मतलब ये हुलिया ठीक करना है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूं कि ये जो पिंपल्स वगैरह जब आप हो तो लड़के अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं, नेचुरल लुकिंग मेकअप कैसे कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी और ना लगे। और वैसे भी कोई भी एक्टर हो, कोई भी लाइक कैमरे के सामने आता है तो जब वो मेकअप करके आता है, तो मैं चाहता हूँ कि लड़कों का भी मेकअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पर आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज के ये एक हेयर बैंड टाइप है, इससे मैं अपने सर पे लगाऊंगा और अपना जो माथा वगैरह ये सारा कुछ मैं इससे कवर करूंगा क्योंकि मेरा माथा काफी बड़ा है। तो इस तरह से मैं ना अपने बाल निकाल के इसको अपने बालों को पीछे करूंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइजर। यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का मैं मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक मॉइस्चराइजर है। लाइट वेट है और मतलब नॉन ग्रीसी है। तो एक्नी है तो कोशिश करनी है आपने कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना यूज़ करो जो आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये मॉइस्चराइजर ले रहा हूँ। ऑयलिंग नहीं करूँगा मैं कोई भी फेस पे, क्योंकि मेरे पास जो ऑयल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया। तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स ना मिले जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बिरफा बाय आमना का मॉइस्चराइज़र है, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरी स्किन की हालत आप देख सकते हो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। यहाँ से एक्नी है मेरे फेस पे, तो इस मॉइस्चराइजर को मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। देन जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्राइमर। यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का मैं पोरफेट प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जो पोर्स हैं उनको ये फिल कर देता है। तो ये मैं इसको ले रहा हूँ अपनी फिंगर पे, इसको रब करके मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूंगा। तो ये जो प्राइमर है हमारे पोर्स को फिल इन कर देता है, और जो अभी भी मेरे फेस पे मतलब जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, तो इसलिए ये प्राइमर बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई शादी ब्याह हो तो लड़के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कोशिश करो कि फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करो, जस्ट स्मूथ हो और चले जाओ अगर आपको वैसे ही कहीं बाइक अंदर जाना है। ये किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तो लड़कों को चाहिए वो बीबी क्रीम यूज़ कर ले क्योंकि उनकी कवरेज बहुत कम होती है। लेकिन जब आपको ऐसे कोई जहरीले टाइप पिंपल्स हों, यार मेरी गर्दन काली नहीं है वैसी, वो लाइट पड़ रही है तो इसलिए ऐसी लगती होगी, तो फिर आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं रिवाज यूके का लास्टिंग फिनिश फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ। फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन SPF 23 सनस्क्रीन 30 ml इसमें हमें मिलता है, और ये 500 से 600 के दरमियान ईजीली मिल जाते हैं, और ये 2022 तक इसकी एक्सपायरी। और यहाँ पर जो मेरे पास शेड है वो है 08 जो गाइस कैन सी, और इसकी फुल कवरेज फाउंडेशन, इसलिए मैं इनको बिल्कुल थोड़ी मिकदार में ले रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में। ये इतना सा ही मार्केट ब्यूटी बाय आपना का ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूँगा। ठीक है, तो इसको हमने मैंने कलर आपने हमेशा वो लेना है जो आपकी स्किन के साथ मैच करे। स्किन से एक आध कलर आप लाइट ले लें ताकि वो ऑक्सीडाइज होके बाद में आपकी स्किन के जैसा कलर हो जाए। ठीक है, नेक वगैरह को कभी भी नहीं भूलना आपने। अब ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास, तो इसकी मदद से मैं ब्लेंड करूंगा ये सारा।
तो आप देख सकते हो कि इसमें फ़र्क क्या है। इसमें वन साइड पे मैं लगा के आपको ना लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथ तो आप देख सकते हो कितनी स्मूथ फेस बनी है। मतलब इस इधर का जो मेरे पिंपल्स थे वो भी कुछ ब्लर हो गए हैं। तो और भी जो है, अगर आप कवरेज चाहे तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन लड़कों को ज़्यादा कवरेज अच्छी भी नहीं लगती, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कवरेज रिकमेंड भी नहीं करूँगा। इधर की स्किन और इधर की आप स्किन देख सकते हो, लाइक फ़र्क अब आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको भी इधर से ब्लेंड करूँगा। तो ये जो मेरे पिंपल्स थे आप देख सकते हो कि किस हद तक लाइक गायब हो गए हैं। इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगा, फिर वो ओवर लगती है और बुरी लगती है। तो कानों को आपने कभी नहीं भूलना अपने नेक पे। हमेशा लग के जब मतलब फेस पे कोई ऐसा फाउंडेशन लगाए जिनकी कवरेज ज़्यादा हो तो वो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें, क्योंकि वो जो फाउंडेशन है वो सारा अपने अंदर अब्जर्व कर लेते हैं और आपकी कवरेज भी लाइट टू मीडियम हो जाती है, फुल कवरेज नहीं रहती। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फाउंडेशन ज़्यादा लगाते हो तो आपको फुल कवरेज भी मिलेगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया अपनी नेक पे। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट किस्म की लाइक इसकी बनी है। आपने कोई भी ऐसा एरिया नहीं भूलना, मतलब जहाँ से आपके बाल नज़र, मतलब जहाँ तक मेरा माथा है मैं तो इसे वहाँ तक अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा माथा भी काफ़ी भरा है तो मैंने अब इसको उतार लिया है। आप देख सकते हो किस हद तक ये मेरा जो है पिंपल इसने कवर कर लिया है। तो फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन को सेट नहीं करते, इसको सेट करना ज़रूरी है, तो इसको हम सेट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी सी फेस पे अपने कंटूरिंग करूँगा, अपने माथे को छोटा दिखाने के लिए और अपने एरियाज जो है उनको हाईलाइट करने के कंटूरिंग करने के लिए। ओ तेरी, मैं पैलेट आपको नहीं दिखाऊंगा, आप किसी भी डार्क कलर से कंटूरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा हूँ, ये आपको नजर आ गया अपने माथे को छोटा दिखाने के लिए, और मेरा कोई स्ट्रक्चर बने इसलिए मैंने इसको लास्ट में अपने माथे से कर रहा हूँ इसको। और अब लेकिन मुझे इन चीज़ों को नहीं करना। आप देखें जिनको डार्क सर्कल्स हैं वो कंसीलर के साथ एक आध डॉट लगा के इसको लाजमी करें। और मैं इस फाउंडेशन को अब सेट करने जा रहा हूँ लूज पाउडर पे लेके, इसको मैं सेट कर लूंगा सारा। ये मैंने कंट्रोलिंग की अपने माथे पे, आप देख सकते हो आपको इजीली नजर आ रहा होगा। तो इस पाउडर के साथ मैंने अपना सारा फाउंडेशन सेट कर लिया। अब ये फाउंडेशन मैट हो चुका है, शुगर फ्रेम रेड इसका कलर है। ठीक है, तो
ये अंदर से कुछ इस किस्म के है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करनी, फिंगर पे लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। आपने एक सिंपल स्पोलिएटर लेना है, उसकी मदद मतलब से आपने अपने जो ये कॉम है इनको एक कॉम कर लेना है अपने आईब्रोज को। कभी भी लड़के आईब्रोज को फिलअप वगैरह ना करें, और इसको भी मैं साफ़ कर रहा हूँ इसके साथ। अगर कोई हो तो, अगर आप चाहो तो, जिनकी बियर्ड बहुत कम है वो क्या कर सकते हैं, मस्कारा लेके अपनी बियर्ड में लगा सकते हैं, जिससे आपकी बियर्ड फुल होगी, ठीक है। तो अभी मैं कपड़े चेंज करके दोबारा आपके पास आता हूँ बाल बना के। तो मेरी जो आज की वीडियो में सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, वो है सिर्फ हेयर स्टाइल। सैलून्स वगैरह सारे बंद है, तो मैंने घर पे ही जस्ट कॉम किया अपने बालों को, कोई स्टाइलिंग नहीं किया। तो आप जैसा चाहो हेयर स्टाइल सैलून से बनवा सकते हो, अगर चाहो तो खुद भी बना सकते हो। तो मेरे पास इस वक्त ड्राई मौजूद नहीं है, ड्राई मौजूद नहीं है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल भी शेयर करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर है कि ये वीडियो कैसी थी, क्या मैंने गलती की, क्या स्किप किया, क्या ये मेरी लुक अच्छी थी। मतलब मेरा स्किन आप देख सकते हो कि कितनी ग्लोइंग लग रही है और कितनी फ्रेश लग रही है। यहाँ पे पिंपल्स थे तो बिल्कुल ना के बराबर अब नज़र आ रहे हैं, मतलब पहले पिंपल्स थे तो अब ये पिंपल्स भी ना के बराबर नज़र आ रहे हैं। मैंने इस तरह से इसको हाइड किया, किस तरह से हाइड किया ये भी आप लोगों ने देख लिया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ, तो आई होप आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी। तो ये थी मेरी आज की सारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।